जाएं। और एक चॉइस जरूर होती है दाल मखनी की। कई बार घर में भी बोला जाता है कि दाल मखनी बनाओ और आपको लगता है यार ये क्या बोल दिया, कैसे बनेगी। लेकिन अगर आज आप मेरी रेसिपी अपनाएंगे तो आप दाल मखनी हर दूसरे तीसरे दिन बनाएंगे। दाल मखनी बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है। चलिए जानते हैं दाल मखनी कैसे बनाएं। पहले जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। यहाँ पर हमने ले लिए थे आधा कटोरी राजमा, आधा कटोरी काली उड़द साबुत और आधा कटोरी चने की दाल। इनको हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अच्छे से धो के भिगो दिया था। अगले दिन जो पानी था सोक्ड वो हटा दिया और इनको अच्छे से धो के अब कुकिंग के लिए रेडी थे। करना क्या है, कुकर को गैस पे रख दीजिए, गैस ऑन करी, पूरे जो भीगे हुए अपनी दालें थी वो डाली। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जैसे 10 से 12 लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च और एक बड़ा प्याज, कैसे भी रफली चॉप करके डाल दीजिए। साथ में हमें डालने हैं मीडियम साइज 4 टमाटर, जिसके हमने छिलके हटा लिए थे और काट लिए हैं। अब इसमें पड़ेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, और गरम मसाला। गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, घर का बना है तो थोड़ा डालिए, बाज़ार का है तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। अब यहाँ बारी थी बटर की, बटर डाल के थोड़ा सा पानी और डाल के लीजिए, 5 सीटी मारनी है और आपकी दाल जो है बॉईल होके रेडी है। यहाँ कुछ ये बॉईल होने के बाद ऐसी दिखेगी, हाँ इस तरीके से साबुत दिख रहा है। लेकिन अब आपको करना क्या है, इसे आपको या तो मैशर से या चमचे से मैश करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर से आप इसे इस तरीके से ब्लेंड कर दीजिए, एकदम घुट जाएगी। फिर इसको अराउंड 5 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है, जिससे इसकी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए। अब बारी थी तड़के की, बस पैन रखिए, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा देसी घी, और क्या चाहिए, ज़रा सा बस लीजिए। बटर मेल्ट हुआ, इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल देंगे, घी डालने से बटर जलता नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही ये पिघला हमने डाल दिया जीरा। अब बारी थी हींग की, हींग डालेंगे, हींग इज़ गुड फॉर स्टमक। थोड़ी सी लाल मिर्च, और लाल मिर्च डालते के साथ गैस को ऑफ कर दें, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। लीजिए दाल के लिए तड़का तैयार है, और हम डाल देंगे इसे अपनी दाल में, और दाल हमारी रेडी हो गई दाल मखनी सर्विंग के लिए। रेसिपी ट्राई कीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आपको गारंटेड बोलती हूँ कि आप ज़रूर इसे कई बार बनाएंगे। लीजिए, मैंने तो अपने फैमिली को सर्व करने की भी तैयारी कर दी। करना क्या है, जो भी सर्विंग कंटेनर है उसमें डालिए, तड़का ऊपर से डालिए, सुंदर दिखेगा। ऊपर से थोड़ी सी अगर फ्रेश क्रीम है तो डालिए, अदरवाइज कोरिएंडर चॉप्ड, और थोड़ा सा बटर ग्रेट करके डाल दीजिए। मस्त मज़ा, मिस्सी रोटी के साथ खाइए, घर की गेहूं की रोटी के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए, रुमाली रोटी के साथ खाइए। इट विल टेस्ट ऑलवेज जस्ट लाइक होटल दाल मखनी, यमी दाल।